कानपुर देहात से एक मामला सामने आया है जहां प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता महिला की हुई मौत। घटना के बाद संचालक व कर्मचारी हुए फरार। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेशों को किया जा रहा दरकिनार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आशा कर्मी ने भर्ती कराया प्राइवेट अस्पताल में गर्भवती महिला को। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए किया था कानपुर हैलट अस्पताल रेफर। कमीशन के चक्कर में आशा कर्मी गर्भवती महिला को एडमिट कराया प्राइवेट अस्पताल में। पहले भी विवादों में रहा प्राइवेट हॉस्पिटल। बीते वर्ष पहले हुई थी एक की मौत। अशालतगंज के एक गांव खता मामला। स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पताल, मौत के सौदागर बने प्राइवेट अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग भी जिम्मेदार। अधिकारी की मेहरबानी से हो रही प्राइवेट अस्पतालों में मौत। लोगों की जान के साथ हो रहा धड़ल्ले से खिलवाड़। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार बने अनजान। बीते दिन पहले प्राइवेट अस्पताल अंशिका ने ली थी एक गर्भवती महिला की जान, लेकिन कार्रवाई में खानापूर्ति करके संचालित हो रहा धड़ल्ले से प्राइवेट अस्पताल अंशिका। फिर एक बार प्राइवेट अस्पताल में मौत के बाद कस्बे में चर्चा का माहौल हुआ गर्म। रसूलाबाद कस्बे में संचालित SSG हॉस्पिटल का मामला। कहाँ रहते हैं? पहाड़ी। क्या घटना घटी है? कौन अस्पताल आए थे? सरकारी अस्पताल ले गए थे। फिर कहाँ पहुँचे? रिफर करो हैलट के लिए। साथ में श्री देवी यहीं होने के यहाँ प्राइवेट बैठती है मैडम। अच्छा यहाँ वहाँ पर क्या नाम है अस्पताल का? नाम क्या है? SSG। तो कैसे क्या पता है? खत्म होने में लापरवाही किसके मानते हैं? लापरवाही का पता हो जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।